गाइस स्वागत आपका टेक एवी चैनल पे। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी F54 5G की अनबॉक्सिंग करी थी और काफ़ी लोगों ने उस पर सपोर्ट दिखाया। गाइस आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाते रहो। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी पूछे, ठीक है। तो गाइस सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ एक एक करके, और जो कमेंट्स जेन्युइन होते हैं, जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने सही तरीके से लिखा होता है, उनको मैं पढ़ के जवाब भी देता हूँ और उनको एक हर्ट भी देता हूँ। आपको भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बस आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने कुछ सवाल उन कमेंट्स से उठाए हैं। जैसे कि एक यूजर ने पूछा था कि सैमसंग गैलेक्सी F54 के अंदर गुड लॉकिंग एप्लीकेशन है, वो सपोर्ट करता है कि नहीं ऑफिशियली, ठीक है। तो उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। गुड लॉक एप्लीकेशन करती है क्या, आपके फोन को कस्टमाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। और हम आज क्या करेंगे, हम देखेंगे हम सैमसंग गैलेक्सी F54 डिवाइस आप जब खरीदोगे, इसके अंदर कोई ब्लोटवेयर्स आते हैं कि नहीं आते। ब्लोटवेयर्स आते हैं तो कितने हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कि हम सारे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आज करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद कि कितने ब्लोटवेयर्स, हम सारे को अनइंस्टॉल भी करेंगे, सब उड़ा देंगे हम, ठीक है। फोन को एकदम क्लीन कर देंगे मक्खन वाला, ठीक है। और गाइस एक और चीज, अभी तक मेरे को ना सैमसंग के F54 5G में कोई भी एड्स देखने को नहीं मिला यार। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। 1UI 5.1 का कोर वाला नहीं है भाई, 1UI 5.1 है। मस्त सिक्योर फोल्डर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। एकदम क्लीन इंटरफेस हो जाएगा, सारी ब्लोटवेयर ऐप्स उड़ा देंगे भाई, मक्खन ही मजा आ जाएगा फोन में। फोन की परफॉर्मेंस भी से अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम शुरू करते हैं, जो यूजर का कमेंट था कि ये जो फोन है वो गुड लॉक एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो गाइस इसका जवाब है नहीं करता, ऑफिशियली सपोर्ट नहीं है, बट आप थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने भी डाउनलोड कर लिया। यदि आप इसके मेकअप सेक्शन में आओगे ना, तो गुड लॉक के अंदर आपको कोई भी UI को चेंज करने वाली एप्लीकेशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इस फोन में सपोर्ट ही नहीं होता है। यदि आप लाइफ अप में आओगे तो आपको मिल जाएगा नाइस कैशे, वन एंड ऑपरेशन प्लस, रूटीन प्लस। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करने के लिए ये चीज़ें काम आती है, बट यहाँ पे मेकअप सेक्शन में जो UI इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं वो एप्लीकेशन है ही नहीं, ठीक है। यदि आपको नहीं पता इसमें आप क्या क्या कर सकते थे, जैसे यदि ये सपोर्ट करता डिवाइस, तो जैसे मैंने इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करी, सारी एप्लीकेशन मेरे को इस तरीके से दिख रही है फॉर्मेट में, मैं इनका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता था, ठीक है। बट एप्लीकेशन ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास सैमसंग का 54 5G, और मैंने इसको सेटअप कर लिया था डिवाइस को अनबॉक्सिंग के टाइम ही, बट मैंने कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करी है, ठीक है, जिससे कि आपको पता पड़ सके कि इसमें ब्लोटवेयर्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये आप देख रहे हो वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे, मैं इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ, देखो, ठीक है। तो सबसे पहला ब्लोटवेयर तो यही है, आई थिंक कोई न्यूज़ ऐप वगैरह है जो ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन पर ही चीज़ें चेंज करी। तो सबसे पहले तो हमको ये भी उड़ाना पड़ेगा इसके अंदर। तो जब आप पहली बार डिवाइस को लोगे तो ध्यान रखिएगा ये वाला आपको ब्लोटवेयर मिलेगा। तो हम एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं, हमको क्या क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। तो हमको मिल रहा है पे बायजू की एप्लीकेशन, एकदम कचरा, नहीं चाहिए भाई। डेली हंट वाली एप्लीकेशन नहीं चाहिए, हटा दूंगा इसको भी मैं। माई गैलेक्सी भी मेरे को इतना यूज़ आता नहीं है, तो सैमसंग की एप्लीकेशन है, बट मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ अपने डिवाइसेस के अंदर। सैमसंग फ्री भी आपका कोई काम नहीं आएगा, तो इसको भी हम हटा देंगे। सैमसंग ग्लोबल गोल्स भी कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है। स्नैपचैट भी यहाँ पे फालतू का ब्लोटवेयर है, मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ। सैमसंग शॉप आपको कुछ खास यूज़ में नहीं आने वाला है। सैमसंग मैक्स ये भी कुछ खास यूज़ नहीं आने वाला है। शॉप से भी हम हटा देंगे, हमको कोई यूज़ नहीं आना है, हम फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं। कैंडी क्रश यदि आप गेम्स खेलते हो, कैंडी क्रश तो आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज ये भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है, ध्यान रखना मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं आता, ये मैंने सारे इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। टेस्टिंग आ रही है आगे आने वाले वीडियोज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैंने जेंशन इंपैक्ट गेम भी डाउनलोड कर लिया 25 GB का, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके पूरी टेस्टिंग लेके आ जाऊँगा डिवाइस के लिए, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। और हम यदि पीछे आते हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स आता है, यहाँ पे यदि आप यूज़ नहीं करते हो तो उसको डिलीट कर देना, ठीक है। इसके अलावा वन ड्राइव एप्लीकेशन यदि आप यूज़ नहीं करते हो तो हटा देना, कोई काम की नहीं है आपके लिए। सैमसंग की बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी इसके अंदर, जैसे सैमसंग हेल्थ, मैं इसको हटा दूंगा। इंटरनेट का जो ब्राउज़र है ये मेरे को नहीं चाहिए यार, मैं गूगल क्रोम यूज़ कर लूँगा, तो ये आप हटा सकते हो, ठीक है। अभी हम सारी एप्लीकेशन हटाएंगे आपके सामने, मैं हटाऊंगा। गैलेक्सी वेयर यदि आपके पास सैमसंग की वॉच है तो आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी हटा देना। सैमसंग वॉलेट की हमको जरूरत है नहीं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप देख रहे हो हमको जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। तो हम हटा देंगे सारी एप्लीकेशन। अब मैं दोबारा से आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने फ़ोन के अंदर ना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ रनिंग सर्विस की, एक्चुअल में कौन कौन सी एप्लीकेशन रैम को यूज़ कर रही है, तो वो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो सैमसंग पास एक एप्लीकेशन है जो यूज़ हो रही है बैकग्राउंड के अंदर, ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है। इसके बाद और कोई गाइस मेजर एप्लीकेशन यूज़ नहीं हो रही। नीचे आप देख रहे हो सैमसंग कीबोर्ड, हम ये भी हटा देंगे, मेरे को सैमसंग कीबोर्ड यूज़ नहीं करना, मैं गूगल का कीबोर्ड ही यूज़ करूँगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो आपको मिलेगी एज अ ब्लोटवेयर, फोन पे भी मिलेगा आपको, ध्यान रखना फोन पे भी इसके अंदर है, लेकिन फोन पे तो हम यूज़ कर लेते हैं। स्पॉटीफाई भी आपको मिल जाएगा, और ये आपको ऐड मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ऐड वो वाला ऐड नहीं जो आप सोच रहे हो कि हटेगा नहीं, ये एक तरीके से विजेट के अंदर है, इन्होंने एक विजेट बना के दिया है, प्राइम वीडियो का इसमें ऐड आ रहा है, ठीक है।
इसके अलावा हमको और कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे, एड्स आपको नहीं मिलने वाले, एकदम क्लीन यूआई है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी यूज़ किया है काफ़ी अच्छा फ़ोन चल रहा है, मक्खन चल रहा है 120 हर्ट्ज पे। ठीक है, और गाइस इसके अलावा यहाँ पे आपको फेसबुक भी मिल जाता है, आप चाहो तो स्कूल आ सकते हो, और ये जो सैमसंग मेंबर्स है इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, तो गाइस मैंने सारे के सारे जो ब्रूटवेयर से सब हटा दिए हैं, सारे के सारे अनस्टॉल हो सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है सारे अनस्टॉल हो सकते हैं, अनस्टॉल नहीं होंगे तो डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी के जो स्टोर वगैरह है मेरे को इतनी कुछ खास रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो मैं उसको डिसेबल करके रखता हूँ, अदरवाइज वो पीछे मेमोरी कंज्यूम करते हैं और हमारी रैम को भी कंज्यूम करते हैं और बैटरी बैकअप जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं, तो मेरे को जरूरत ही नहीं उन चीज़ों की, तो मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो गाइस आप डिवाइस को खरीदो तो सारे जितने भी ब्लोटवेयर्स मैंने बताया सबको इंस्टॉल कर देना, और इस फोन की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, काफ़ी रिगरस टेस्टिंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। यदि आप एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, पूरा एक्सट्रीम टेस्टिंग करने वाले हम एक्सिनोस प्रोसेसर की। ठीक है, जेंशन इंपैक्ट भी खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे, एक्सिनोस को पूरा टेस्ट करेंगे, भाई ये कहीं इतना गर्म तो नहीं हो जाता कि हाथ में पकड़ में ना आए। ठीक है, लेकिन आपको बता देता हूँ, नहीं यार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, छोड़ो। ठीक है, यदि आपने इस वीडियो के अंदर लाइक टारगेट जो मैं रख रहा हूँ कम से कम 100 लाइक तो कर दो यार एटलीस्ट, तो वो पूरा कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ सब कुछ, एक्सिनोस 1380 से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, जो टारगेट है 100 लाइक्स का वो पूरा कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।